पनडुब्बी प्रोजेक्ट के पेपर लीक होने की जांच होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसका ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने दावा किया था कि फ्रांस की मदद से जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बन रही हैं उसके खुफिया दस्तावेज लीक हो गए हैं। पर्रिकर ने यह भी कहा है कि ये देखना होगा कि जो दस्तावेज लीक हुए हैं उससे भारत का कोई नुकसान हो रहा है या नहीं, लेकिन जाँच की बात की गई है कि जाँच की जाएगी। इस मामले में नौसेना की जानकारी लीक होने का आरोप है और ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने इस बात का दावा किया कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियां जो फ्रांस की मदद से बनाई जा रही हैं उसके खुफिया दस्तावेज लीक हुए हैं। मनोहर पर्रिकर का कहना यह है कि इसकी जांच होगी और साथ ही ये जांच भी होगी कि जो पेपर लीक हुए हैं, जो दस्तावेज लीक हुए हैं उससे भारत को कोई नुकसान है या नहीं। मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है, कितना हद तक उसका अगर है तो लीक बराबर। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करते कि इट इज रिलेटेड टू अस, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, द सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एक्सटेंड ऑफ अनवॉरंटेड, बट इट्स नॉट ऑल 100% बिकॉज वी डू हैव अवर फाइनल इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट। Sir, are there aware of it? How can this with DCNS that we can invoke? What I understand, because it came to my knowledge at about 12 o'clock yesterday night. What I understand is there is a hacking. So we'll find out all these aspects. I have told him to take it. It has an Indian Navy logo. I will not comment on an issue because it is an official comment which I have to make. You can speculate a lot of things. Media can do that. But for me, I have told Chief of Navy to identify and maybe in couple of days we'll be able to tell you. इस पूरे विवाद पर नेवी का बयान भी सामने आया है। नेवी ने कहा है कि दस्तावेज लीक होने की पड़ताल की जा रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि दस्तावेज देश के बाहर से लीक हुए हैं, ये कहा गया है नेवी की तरफ से। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत। नीरज, ये जो दस्तावेज लीक हुए हैं उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ठीक है सुमेरा, जो नौसेना है उसने अपनी एक स्पेशलाइज टीम गठित की है और ये इस बात का पता कर रही है कि आखिरकार ये लीक हुए तो हुए कैसे, क्योंकि ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन है ये फ्रांस की जो डीसीएनएस कंपनी है उसकी मदद से बनाई जा रही है। और जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भी दावा किया है, ये उस डीसीएनएस कंपनी जो कि स्कॉर्पियन सबमरीन बना रही है, जिसकी पहली पनडुब्बी बनकर लगभग तैयार होगी, अगले महीने ये नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगी, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक फ्रेंच नेवी का एक पूर्व अधिकारी था जो कि इस कंपनी में डीसीएनएस कंपनी में सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, उस पर शक जताया जा रहा है कि उसने ये पेपर्स लीक किए हैं। 22,400 दस्तावेज जो स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। और अखबार ने यह भी दावा यहां तक किया है कि जो चीन और पाकिस्तान जिस सबमरीन के, जिस पनडुब्बी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बेचैन था, अब उसको ये पेपर जो है आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि खुद अखबार ने 22,400 पेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खुद अपने न्यूज़पेपर में और अपनी वेबसाइट पर छाप दिया है उनको। नीरज, किस तरह से भारत के लिए खतरनाक हो सकता है, सुरक्षा को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? देखिए सुमेरा, जो सबमरीन होती है ये किसी भी देश की किसी भी नौसेना के लिए सबसे घातक और सबसे जो सीक्रेट वेपन होता है किसी भी दूसरे अपने दुश्मन देश के खिलाफ, और इसकी जितनी भी गतिविधियां होती है बहुत सीक्रेट होती है, समुद्र के नीचे काम करती है। तो जो स्कॉर्पियन सबमरीन है इसमें किस तरह के हथियार लगने हैं, कौन सी टॉर्पीडो, कौन सी मिसाइल लगनी है, किस तरह के सोनार सिस्टम होंगे, ये सारी जानकारी इस 22,400 पेजेस में है। साथ ही जो सबमरीन की जो मूवमेंट होती है वो सीक्रेट होती है, उससे इन दस्तावेजों से लगता है कि उसकी मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगी कि ये स्कॉर्पियन सबमरीन कहाँ और किस टाइम में किस जगह पर है, इसके बारे में भी सब जानकारी हमारे दुश्मन देशों को मिल सकती है। इसलिए बहुत बड़ा खतरा ये माना जा रहा है इन लीक्स को। जी हाँ, तो बहुत बड़ा खतरा इस लीक को माना जा रहा है क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने दावा किया है कि पनडुब्बी प्रोजेक्ट के गुप्त दस्तावेज लीक हुए हैं, वहां से खबर निकलकर सामने आई है। फ्रांस की मदद से स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, पहली पनडुब्बी जल्द ही भारत को मिलने भी वाली है। अखबार के मुताबिक कुल 22,400 दस्तावेज लीक हुए हैं, तो एक बड़ी लीक है ये जिसमें दस्तावेज लीक हुए हैं इस पनडुब्बी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए। डीसीएनएस फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ मिलकर इन पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है। अखबार के मुताबिक दस्तावेज लीक होने से भारत का कोई नुकसान नहीं है, ये अखबार ने दावा किया है, लेकिन भारत में कहा यह जा रहा है, फिलहाल रक्षा मंत्री ने कहा है, नेवी ने कहा है कि वो इसकी जाँच करेंगे। जिस कंपनी से दस्तावेज लीक हुए उसको ये जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से कंपनी के करार पर असर लेकिन पड़ सकता है जो ये लीक है, इतना बड़ा लीक उसको लेकर। लेकिन भारत की तरफ से कहा यह जा रहा है कि फिलहाल जांच की जाएगी। डीसीएनएस 6 पनडुब्बी बना रही है भारत और फ्रांस की कंपनी के बीच।